Good morning, students. In uh, ENG DSC two zero three, we have completed uh, the poems. Juton we have completed. Then silence the court is in session. We have completed two stories. We have completed, and uh, today we are going through the third story. Jo. पोस्ट पार्टीशन वाले फेस को कहीं हमें बताती है तो पार्टीशन से रिलेटेड गुड इनफ लिटरेचर वी थ्रू द पैरेट इन द फाइनेस्ट एग्जाम्पल विच क्लियरली टेल्स अबाउट द फ्लाइट ऑफ द पीपल हु मूव फ्रॉम दिस कंट्री टू दिस वेरी कंट्री एंड हाउ डिड द सफर इच एंड इन ग्रेट डिटेल इफ़ यूर गेट अ चांस टू गो थ्रू दिशन आउट देंग्स के थे या पाकिस्तान के थे देंगे They faced the same torture, mental pain, agony was there. Each and everything was there. Destruction was there. So. ये जो आ, फिर हमने आ, एक स्टोरी पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में द डॉग ऑफ टेटवाल व्हाट वाज इट इट वाज लाइक एक डॉग को भी हम लोग जो है बड़े इनह्यूमन वे से ट्रीट कर रहे हैं इफ़ वन साइड दैट वेरी डॉग गोज़ टू वर्ड्स पाकिस्तानी देन दे फील लाइक दिस डॉग इज़ फ्रॉम इंडिया अगर वो उधर से आता तो हमें लगता है ये पाकिस्तान का डॉग है तो उसको भी हम आ, एक उसमें बोलते हैं ना सीमाओं में बांधने की कोशिश करते हैं एनिमल्स को तो वो पर्टिकुलरली एक थॉट को बताया गया है कि किस तरह से हमने जो है हर चीज़ को बांटने की कोशिश की थी रीज़न जो मर्जी थे लेकिन हमने चीज़ों को बांटने की कोशिश की थी और चीज़ें बंट भी गई लेकिन उसका जो बाद का जो रिज़ल्ट है वट वॉज़ इट वो आज भी अगर आप एक 80-90 साल के इंसान से मिलोगे ना जिन्होंने पार्टीशन का फेज़ देखा है देल बी दे टेली विचन एवरी थिंग इन डिटेल इट इज़ सो हॉरीबल इट इज़ सो टेरीफाइंग इट इज़ सो स्कैरी कि वर्ड्स कम पड़ जाते हैं उस डर को उस तनाव को एक्सप्रेस करने के लिए जो उस वक्त लोगों ने छेला था चाहे वो भारत से पाकिस्तान गया या पाकिस्तान से भारत आए उसके बाद जो लोग लेट आए उनकी तो फिर कैटेगरी ही एक अलग बना दी गई चाहे वो भारत के ही लोग थे लेकिन उनको अलग कैटेगराइज कर दिया गया तो ये सारे जो एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ पार्टीशन हमने देखे हैं एक आम आदमी के लिए पार्टीशन का कोई मतलब नहीं था पार्टीशन वॉज मेंट फॉर होम यू नो इट वेल वो उसको डिस्कस करने की हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन ईच एंड एवरी वन ऑफ अस नोज वेल कि पार्टीशन क्यों हुई क्यों इस तरह का इतना ब्लड शेड हुआ इतना नरसंहार हुआ और इतने लोगों को डिसप्लेस किया गया एक जगह से दूसरी जगह इतने लोगों को मारा गया कितनी फीमेल्स की इंसल्ट की गई देवर यू नो और किस तरह की ज़िंदगी उन्होंने जी है लाजवंती हमने पढ़ा है कि किस तरह की ज़िंदगी फीमेल्स की बन चुकी थी ना और किस तरह का टॉर्चर उन्होंने फेस किया तो दिस वेर स्टोरी जो सदत हसन मांटो की स्टोरी है इट टेल्स टेल्स अस अबाउट द स्टोरी ऑफ अ मैड सिख बिशन सिंह अब जो लोग भारत की जेलों में था जो पाकिस्तान की जेलों में थे पार्टीशन हो गया फिर ये डिसाइड हुआ कि भारत के कुछ कैदी जो पाकिस्तान से रिलेटेड थे उनको पाकिस्तान भेजा जाएगा और जो पाकिस्तान में भारतीय कैदी थे उनको भारत भेजा जाएगा लेकिन अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि वो सारे के सारे जो कैदी थे वो उसमें से देवर नॉट यू नो दे नोट लोनेटिक्स वो लोग जो थे वो लुनेटिक्स नहीं थे वो असाइलम uh, में भेजे गए थे लेकिन वो लुनेटिक्स नहीं थे वो पागल नहीं थे सम ऑफ देम प्रूव डेम सेल्फ क्योंकि वो जेल्स uh, नहीं जाना चाहते थे उन वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व थे है ना कई लोगों को सेव करने के लिए उनके परिवार वालों ने असाइलम भेज दिया तो ये जो ये स्टोरी uh, है इट्स वेरी मीनिंगफुल दोनों देशों के बीच में कुछ एरिया है विच इज़ कॉल्ड नो मैंस एरिया जहाँ पे किसी का कोई पोजिशन नहीं है वो एक, एक ऐसा एरिया है तो जो ये लोग जो आ, पागल खाने में या लोनटिक असाइलम में रहते थे जैसे यहाँ पे हम लोगों को पागल बिशन सिंह नाम का एक सिख है बिशन सिंह नाम का ही इज़ अ लोनिटिक और वो बेचारे बिफोर पार्टीशन वो लोग जो है लोनीटिक असाइलम में थे उनको तो पता भी नहीं कि किस तरह से भारत का विभाजन हुआ है कौन कौन से एरियाज़ भारत में है कौन सा एरिया पाकिस्तान में चला गया है तो उन पागल लोगों की मेंटल कंडीशन के बारे में बताया गया है जिनके लिए भारत एक ही है कुछ लोगों की मेंटल कंडीशन बताई है जो कंट्री को डिवाइडेड देखना चाहते थे वो किस तरह से देख रहे हैं हैं, तो उसको हम लोग आज थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टोरी पे तो फर्स्ट क्वेश्चन राइज होता है कि वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉट ऑबली इंपॉर्टेंट फ्रॉम सर्टन व्यू पॉइंट लेकिन आम आदमी के लिए पार्टीशन है नहीं है भारत है पाकिस्तान इट इज वन एंड द सेम थिंग सो जो ऑथर है सदर हसन मोन्टो उन्होंने दिखाया कि किस तरह से लूनेटिक्स को एक्सचेंज किया जा रहा है भारतीय जो पागल लोग हैं उनको लाया जा रहा है और पाकिस्तानी पागलों को दूसरी तरफ भेजा जा रहा है और इट इज सेट दैट जो वेन uh, पीपल हु आर इन लोनेटिक असाइलम इन लाहौर दे काम टू नो दैट दिस वेरी डिसीजन इज़ देयर सो दे फील लाइक दे डोंट नो वेदर दे आर इन हिंदुस्तान और इन पाकिस्तान मीन्स दे आर इन इंडिया और पाकिस्तान उनको पता नहीं था कि लाहौर जो है वो पाकिस्तान में आ चुका है क्योंकि वो तो पागल थे वो वो भारत का ही हिस्सा मान के चल रहे थे उनको यही लग रहा था एक ही चीज़ है ये उसके बाद वो उनको ये समझ नहीं आता कि सडनली हाउ पाकिस्तान गॉट क्रिएटेड किस तरह से पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ सो देर इज़ अ सिख नेम्ड बिशन सिंह हु इज़ अ लोनिटिक एंड ही नोज द लैंग्वेज ऑफ इंडिया ओनली उसकी भारतीय भाषा हिंदी आती है देर वर सम टिक्स हो एक्चुअली वर नॉट लोनेटिक्स देसिकली एंड फैमिलीज दे जस्ट गॉट दैम अनाउंसड एज लोनेटिक्स पागल अनाउंस करवा के उनको पागल खाने में भेज दिया ताकि वो लोग वहाँ पे सुरक्षित रहें बट वेन इंडिया गॉट डिवाइडेड बार बार वही चीज़ आएगी जब भारत का विभाजन हुआ दिरीजन नो दैट पार्टीशन हैजेक प्लेस दे ओनली न्यू दैट देर इज द पर्सन नेम्ड मुहम्मद अली जिन्ना एंड ही हैज क्रिएटेड ए सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम्स मोहम्मद अली जीना ने एक अलग कंट्री जो है पाकिस्तान वो क्रिएट की है एंड एज अ रिजल्ट पीपल हु वर दे आर इन लोनेटिकल्स उनको कुछ भी पता नहीं चलता था एंड दे स्टार्ट नो हुर लिल बिट इन जो थोड़े बहुत होश में थे दे ऑल्सो स्टार्टेड बिहेविंग लाइक मैडमैन क्योंकि उनको ये पता ही नहीं था कि वो भारत में है या वो पाकिस्तान में है देन देर वॉज अ लुनेटिक ठीक है इन दैट वेरी लुनेटिक असाइलम एंड ही हैड बीन देयर फॉर फिफ्टीन ईयर्स पंद्रह साल से वो वहाँ था हिज नेम वॉज भीषण सिंह बट फ्यू पीपल न्यू हिज नेम एंड ही वॉज एन अ हैबिट ऑफ स्टैंडिंग थ्रू आउट द डे एंड नाइट वो खड़ा ही रहता था एंड एट Times he took support of the uh, wall and whenever he uh, never sat or lied down. So, as a result, what happened that his feet had swollen. swelling. Whenever people discussed about Pakistan, he got upset, and uh, when someone asked uh, about his opinion, he said, you know, useless uh, words he uttered, meaningless words he uttered he got upset ki how country can be divided. So he asks his

A uh, Few people uh, visited him, some of his relatives they visited him, but he kept on waiting for the arrival of his relatives. And but he did not utter even a single word and he knew only one sentence which was totally meaningless. For sentence Boltata Likin, when it was confirmed that Pakistan has been created, one part is India, the other one is Pakistan, then he was uh, then. Uh,

दे हेव लेफ्टच एंड everything. आपको पता है ना कि रातों रात लोगों की जो मूवमेंट हुई थी वो हुई थी कि सडन जो है इतने ज़्यादा मारकाट डिस्टर्बेंस और इतनी ज़्यादा जो है वो डिस्टर्बिंग एक्टिविटीज़ रातों रात होगी कि लोगों ने अपनी फैमिलीज़ को वहाँ से निकालना ही सेफ समझा प्रॉपर्टीज़ और अपनी जो लैंड थी और जो प्रॉपर्टी थी जो मनी था वो सारा लोग वहीं पर भूल के आ गए और यहाँ से भी लोग इसी तरह से निकले हैं सो ही टोल फजल The family members told Fazal that go to uh, asylum and just uh, make us know about the well-being of Bishan Singh. So, Fazal told him that Tova taking uh, Singh has been to Pakistan. Now, he said particular area has gone to Pakistan. Mein chala gaya hai. So, Bishan Singh felt sad and he also told him that uh, his two uh, cows, they were uh, with uh, Fazal Deen. Fine. की फैमिली अपना सब कुछ छोड़ के जो हो भारत चली गई है एट लास्ट द टाइम केम वेन लोनेटिक्स वर बींग एक्सचेंज उनको एक्सचेंज करने का वो वक्त आ गया दे हैड टू मेक लुनेटिक्स इट इन द बस इट्स वेरी टफ जॉब आपको पता है लुनेटिक अपने हिसाब से चलता है आफ्टर दैट मैनी ऑफ द लोनेटिक्स दे रिफ्यूज़ टू कम आउट ऑफ द बस डिस माउंट द बस बस उतरने से मना कर दिया पहले चढ़ नहीं रहे थे इट वॉज वेरी वेरी टफ सो दे स्टार्टेड रनिंग हेयर एंड देयर एट लास्ट दे वर्कॉट एंड दे स्टार्टेड सिंगिंग दे स्टार्ट बिहेविंग इन अ वेरी ऑर्ड वी दे स्टार्ट क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस फॉर द पीपल हुर दे आर एंड दे वो लीव लाहौर उनको लग रहा था कि हमारा अपना अरिना है अपना एरिया है वी वॉन्ट

नियर हिम ही वॉज अप सेट डाउन ही वॉज लाइंग अप साइड डाउन फेस जो था वो जमीन के ऊपर था उसका एंड दे वॉर सरप्राइज दैट फॉर फिफ्टीन ईयर्स दिस वेरी पर्सन जस्ट टूड ऑन हिज फीट इट वॉज लाइक उसने कोई लेटा नहीं वो बैठा भी नहीं पाँव पे अपने पाँव के बल खड़ा रहा एंड देन वन साइड ऑफ हिस्स जब उसको ले जाया जा रहा था एक साइड पे देर वॉज अ बाव डब वायर फ्राम वेयर द बाउंड्री ऑफ इंडिया वॉज विजबल एंड ऑन द अदर साइड द बाब डायर ऑफ पाकिस्तान हुआ देखो जैसे ये हिस्सा है यहाँ बाब डायर इंडिया की विजिबल है यहाँ बाब डायर जो है वो पाकिस्तान की विजिबल है लेकिन ये जो बीच का एरिया है ठीक है इट इट इज़ सो Uh, where it was uh, known as टोबा टेक्सिंग एंड बिशन Singh's बॉडी वॉज लाइंग देयर तो अगर हम इसको ढंग से पढ़ें तो उस इंसान की तकलीफ़ को महसूस करने की हम कोशिश कर सकते हैं फील कर सकते हैं जो पागल है लेकिन स्टिल उसकी अटैचमेंट अपनी लैंड से है वो लैंड चाहे भारत है चाहे वो पाकिस्तान है बिकॉज अर्लियर वीवर वन भारत पाकिस्तान एक था लेकिन जब पार्टीशन हुई डिविजन हुआ जो भी कुछ हुआ उनको तो बेचारों को पता भी नहीं लेकिन अल्टीमेटली वन ही वॉज बिंग सेंट जब उसको भेजा जाने लगा ना तो उसको लग रहा था कि ये बड़ा अजीब सा हो गया क्योंकि उसके फ्रेंड के पास उसकी गाँव थी उसकी प्रॉपर्टीज थी सब कुछ थी पागल इंसान को कोई ज़्यादा पता नहीं था लेकिन उसके लिए वो पर्टिकुलर एरिया उसका अपना था वेयर ही हैड बीन तो इस जो ये वाली स्टोरी है इसके थ्रू जो है बिशन सिंह के कैरेक्टर के थ्रू जो है वो ये बताने की कोशिश की गई है कि उसने एक अनेचुर पार्टीशन जो भारत का विभाजन हुआ है जो दो देशों को अलग अलग बनाया गया एक देश को बांट के उसको वो एक्सेप्ट करने से उसने मना कर दिया इसमें एक तो इम्पॉर्टेंट है इसका कैरेक्टर स्केच जिसमें राउंड अबाउट आपकी समरी ही आएगी दूसरा है थीम थीम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है थीम लाजवंती का जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है उसमें भी इम्पॉर्टेंट था और जो आप पार्टीशन लिटरेचर का इसमें अगर रेफ़र करना चाहो तो आप जो है द तो पेरिट इन द केज को भी रेफ़र कर सकते हो हल्का सा कि पार्टीशन लिटरेचर में हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं इट मेक्स द इवेल्यूएटर रियलाइज की ये चीज़ें जो है पार्टीशन लिटरेचर से पढ़ी गई हैं तो ये जो दो क्वेश्चन हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इन्हीं में से आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन वो निकल आएंगे दे हेल्प यू टू फाइंड आउट द आंसर्स इसमें A use of irony and satire is clearly ठीक है ना उसमें जो लुनेटिक असाइलम का बैकग्राउंड लिया है फिर वो इंसान खड़ा ही रहता है वहाँ पे फिर एक जो है एक कैरेक्टर है जो आपको खुदा बोलता है वे ही गोज़ टू दैट वेरी पर्सन ही फेल्स टू सेटिस्फाई बिशन सिंह है ना तो ये सारी चीज़ें जो है जो हम पर्टिकुलर रिलीजन कास्ट क्रीड की बात करते हैं उन चीज़ों को यहाँ पर डिफाई किया गया है कि आ, एक पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करना जो है उस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि क्या एक प्लेस जो है वो पोलिटिकल डिवीजन की वजह से जो है वो बदल गई और एक इंसान जो है एक पर्टिकुलर प्लेस से जो रिलेटेड है वो हिंदू या मुसलमान होने की वजह से ही पर्टिकुलर जगह से एक रिलेट हो सकता है या उसको देखो कुछ भी हम सबसे पहले ह्यूमन बींग्स है उसके बाद भी जस्ट गो फॉर द थिंग कि वेदर आई एम अ हिंदू आई एम अ मुस्लिम आई एम क्रिश्चियन और अ बुद्धिस्ट व्हाट्स एवर इट इज़ लेकिन हम क्या करते हैं हम जेंडर वाइस को लेके चलते हैं हम रिलीजन को लेके चलते हैं हम कास्ट ग्रीड को लेके चलते हैं हम कलर डिस्क्रिमिनेशन को लेके चलते हैं ये सारी की सारी जो इवल प्रैक्टिसेस हैं सोसाइटी में तो ये एक सटायर ये तो है उन चीज़ों के ऊपर कि हम लोगों ने स्टेड ऑफ कंसिडरिंग सामान एज अ ह्यूमन बींग हम उसको रिलीजन बेस्ड उसके नाम पर बेस्ड है उसके कास्ट uh, ग्रीड के ऊपर बेस्ड उन चीज़ों को हम ले चलते हैं उसके बाद जो है uh, uh, एक इम्पॉर्टेंट इसमें है नोट ऑन द

डिफरेंट काइंडस ऑफ यूनिटिक्स यू मस्ट नो सो इट वॉज ऑल अबाउट योर स्टोरी बस हमारा सिलेबस अब कंप्लीशन पे है लेफ्ट विद टू स्टोरीज़ ओनली गुड डे